तो पेट्रोट्रल हमने जो लास्ट में सीखा था वो ये फॉर्मूला था कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वी क्रॉस बी से तय होगी, क्योंकि क्यू तो स्केलर क्वांटिटी। तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। वी क्रॉस बी की जो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। याद है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यही होती थी। यस तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि अगर बी ये है, सपोज ये एक्स एक्सिस चलो है और बी इधर है, ये 90 है मान लेते हैं। तो इधर को एफ की डायरेक्शन, राइट हैंडेड स्क्रू लॉ लगाइएगा, मैंने आपको दाहिने हाथ से बताया होगा कई बार, बताया है नहीं? यस सर, यस सर, चलिए ठीक है। मैं अब आपका इसमें आपको ऐसे समझा भी देता हूँ कि कई बार मैंने कहा है कि ये वाला जो होगा आप इसको ऐसे समझिए और ऐसे घुमाइए, तो अंगूठा जहां को जा रहा है ये राइट हैंडेड लॉ, ये क्रॉस भी अपने आप इतने से क्लियर हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक। यस सर, हाँ, तो वी क्रॉस भी, क्रॉस प्रोडक्ट पे मैंने आपको 11th में थोड़ा बहुत काम कराया है, अगर मेरे ख्याल से इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने आप पता चल जाना चाहिए आपको कि ये कहाँ को होती है डायरेक्शन। अच्छा, आप ही लोग बताइए कि एफ विल बी मैक्सिमम इफ कब, सर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम यहां लिख लेते हैं एफ विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा 90 है, या फाइव बेटा 8 पॉइंट तो ये आया, तो एफ मैक्सिमम होगा कितना? अब ये सर स्टेलर क्वांटिटी क्यों क्यू ठीक है, साइन 91 हो जाएगा। अब मैक्सिमम रहा है स्टेलर क्वांटिटी, एन नॉट तो यूनिट वेक्टर है एफ की डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट ये है कि एफ जो होगा परपेंडिकुलर टू वी एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना? आप लोगों को लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया होगा बच्चों, ऐसा ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो जो ए क्रॉस बी आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, पढ़ाया था ऐसा। सर। तो जो वी क्रॉस बी है, वी और बी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट वो एफ है, तो जो फोर्स होगा इस बात को ध्यान से महसूस करिए, फोर्स वेलोसिटी के हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है। हाँ, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड है भी परपेंडिकुलर। थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन में आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ था,
कल जो मैंने पढ़ाया था बच्चों, वो काफी महत्वपूर्ण था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी पहले ग्रेविटेशन सोचो, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्योंकि एक ही तरह का ग्रेविटेशनल चार्ज होता है जिसको आप लोग मास कहते हैं, वो एक ही टाइप का होता है और वो हमेशा ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है mg, कहां को लगता है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स कहां को लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन, जहां को ग्रेविटेशनल फील्ड है वहीं को ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक में क्या था, ये वहां दो तरह का आइडिया था अगर आपको याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर को है तो प्लस क्यू पर इधर को लगेगा फोर्स, क्यू ही हो जाएगा, और नेगेटिव पर अपोजिट होगा, क्यूटी जो माइनस क्यू आने से हुआ हो बस, तो ये भी हो गया। लेकिन मैग्नेटिक में क्या हो रहा है, पार्टिकल जहां को मूव कर रहा है उससे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हमेशा, और जहां को मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, हाँ, तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन से किस तरह से अलग है। जब पूछा जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए ये किस तरह से अलग है। अच्छा, तो फिर पावर जो था, पावर में एफ डॉट बी था ना, डिस्प्लेसमेंट यही था। पावर क्या थी, वर्क क्या होता है बच्चों? सर एफ डॉट डी है, एफ डॉट डी डिस्प्लेसमेंट ऐसा था। हाँ सर, मतलब एफ डॉट डी या पावर इंटू टाइम टी, 8 सेकेंड का है तो डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? जीरो। तो अगर पावर जीरो हो जाए तो फिर वर्क क्या होगा? तो ये बड़ी जोरदार सिचुएशन है कि मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन हमेशा कितना निकलेगा? तो इससे क्या होगा, जब वर्क डन जीरो होगा तो एनर्जी का वेस्टेज भी नहीं होगा फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। सो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जब वर्क ही जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम तो काइनेटिक एनर्जी, अब मैं हाफ एम बी स्क्वायर आता है ना, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो बेसिकली दिस मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट,
वेलोसिटी है तो फिर क्या चेंज हो सकता है, बट डायरेक्शन में चेंज। तो ये ध्यान रखिए, वेलोसिटी हो आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो पाएगा। मैग्नेटिक में क्या हो सकती है, केवल हेलो डायरेक्शन चेंज। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो आप बाद में देखेंगे बच्चों कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देगा ना पार्टिकल पर। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है नहीं, ऊपर लिखा तो है, अब फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेट करने के लिए क्या लगाएंगे, पार्टिकल को मैग्नेटिक तो कर नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रिक भी लगाएंगे साथ में, बाद में देखेंगे तो वह एक्सेलरेट करेगा और मैग्नेटिक डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो उससे अपने फायदे हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक दो डिवाइस देखेंगे बाद में। अभी इतना समझना है जो मैग्नेटिक केवल डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। इतना समझ पा रहे होंगे? नेक्स्ट, इसकी जो यूनिट है ना वो टेस्ला और ग्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड। अब वैसे तो कई सारी हो सकते हैं, एफ इक्वल टू अगर क्यू वी बी साइन थीटा से भी लेना चाहे तो जो बी की यूनिट है एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, साइन थीटा डायमेंशन लेस है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, डायमेंशन के हिसाब से सोचे तो एम एल टी माइनस टू। अरे यही आता होगा, डायमेंशन निकाल लो भाई, बी का डायमेंशन निकाल लो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ जाए। क्या ऐसा काम कर सकते हैं आप लोग, यही से बताना है आपको? तो आपको यूनिट भी समझ में आ जाएगी फिर इसकी। हाँ, तो यूनिट यहाँ लिखता हूँ, यूनिट ऑफ बी इज, ये जो आईआईटी बच्चों वो लिख दे रहा हूं मैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्योंकि क्यू इक्वल टू आई टी करोगे ना अभी चार्ज। हेलो, हाँ सर, हाँ, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर आएगा बच्चों। तो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, एम्पियर और मीटर। चूंकि अगर आप डायमेंशन के हिसाब से सोचो ये तो एफ है, चूंकि जो आई टी और ये बी, लेकिन आई जब एम्पियर है, टाइम वी टी एल टी माइनस वन है, वो टी माइनस वन और ये वाला टी कैंसिल हो जाएंगे नीचे, तो वो एल ही बचेगा, मतलब मीटर बचेगा। आप समझ जाएंगे अपने आप से, हाँ यही आ रहा है। इसके अलावा टेस्ला और ग्रॉस भी यूनिट रही है काम करने की वजह से, निकोला टेस्ला के काम करने की वजह से टेस्ला भी यूनिट है और ग्रॉस तो फिर अब ठीक ही हुआ, वो तो होना ही था हर जगह, ऐसी कोई चीज नहीं उस दौर में कि ग्रॉस ने काम ना किया हो उसमें और उसका नाम ना हो। तो टेस्ला एंड ग्रॉस आर अदर यूनिट्स, ये यूज होती रहती हैं और इनमें रिलेशन बता दे रहा हूं मैं। वन टेस्ला इक्वल टू 10^4 ग्रॉस, तो बड़ी यूनिट कौन सी हुई फिर, टेस्ला। हाँ, तो ये है। टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है बच्चों, हम ग्रॉस का ज्यादा यूज करते हैं,
लेकिन ये एक तरीका होता है उन महान वैज्ञानिकों को सम्मान देने का जिन्होंने काम किया है इस डायरेक्शन में। चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं, थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि जो पढ़ा है वो समझ में भी आ गया है या नहीं आया है, देखते हैं। आप ही लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा न्यूमेरिकल लिखिए प्लीज। अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड, अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 3×10⁶ m/s, 3×10⁶ m/s horizontally. From east to west, ठीक है सर, इस स्पीड से प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ स्ट्रेंथ टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री टेस्ला एडजस्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एडजस्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इतना क्लियर है तो आपको पहला निकालना है, फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन जस्ट आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड। और सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, चलिए शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी पार्टिकल, अगर देखो बच्चों, अगर मैं ये मान लू कि ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ऐसा ऐसे सवालों में हमेशा बना दीजिए राइट। जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आएगा आप बना लीजिए राइट, ये हॉरिजेंटल प्लेन पर है। तो अभी प्रोटॉन इधर को है, उसकी वेलोसिटी ये, वो बाकी डेटा लिख लेंगे कि वी है कितना, 3×10⁶ m/s। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस एग्जिस्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हम इसे नॉर्थ डायरेक्शन ले ले ऊपर को, बेसिकली नॉर्थ भी नहीं हुआ, आप समझिए 3D प्लेन में ऊपर को हुआ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो प्लेन में नीचे ही आ जाएगा ना, तो यहां को मैग्नेटिक फील्ड है। आप इसको ऐसे समझो, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो
3 × 10⁶ और अगर ईस्ट को प्लस x एक्सिस मान ले तो वेस्ट माइनस x हुआ तो यूनिट वेक्टर माइनस आई आ जाएगा, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ये चीजें। ऐसा ले सकते हैं तो बी कितना हुआ 2 × 10⁻³। ठीक है, ये टेस्ला है, टेस्ला वही यूनिट है जो हमने पर ली थी स्टैंडर्ड। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को लेनी है ये बताओ यार। हाँ जी ये ठीक है, जेड डायरेक्शन हो रही है ऊपर को, अच्छा, और क्यू जितना हुआ प्रोटॉन है भाई, तो प्रोटॉन पे चार्ज जितना है बताना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ ये प्लस चार्ज हुआ, हाँ पॉजिटिव, सो एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस तो Q तो ठीक है 1.6 × 10⁻¹⁹ और V क्रॉस B करेंगे तो V 3 × 10⁶ × -I क्रॉस 2 × 10⁻³ × K। तो बच्चों 1.6 × 3 × 2, 3 × 2 = 16 × 6 कितना होता है 9.6 × 10⁻¹⁔ − 3 − 22 और प्लस 6 कितना −16 माइनस आई क्रॉस के, तो क्या लिख सकता हूं 9.6 × 10⁻¹⁶ के क्रॉस आई लिख दू, तो आई जे के माइनस छ आई जे के, तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा और के क्रॉस आई जे हो जाएगा प्लस में, तो 9.6 × 10⁻¹⁶ जे, जे कहाँ को हुआ फिर सोचो, प्लेन में वाई डायरेक्शन में नहीं, जे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बोलिए प्लीज, अरे यार जब ईस्ट एक्स एक्सिस है तो नॉर्थ वाई एक्सिस होगा ना, वो तो प्लेन में है नीचे, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये बता रहा है पहला वाला, और जे केवल ये बता रहा है कि टुवर्ड्स नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स नॉर्थ, फोर्स इतना है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे ख्याल से, कहीं एलिमेंट्री वेक्टर क्लियर होना चाहिए बच्चों, आप लोगों को वो भी क्लियर नहीं है क्या क्या, और दूसरा नोमेरिकली छोड़िए, अब एफ इक्वल टू एम ए, एफ आपको पता है 9.6 × 10⁻¹⁶ है, मास कितना है
प्रोटॉन का मास याद है? अगर 2 साल में आपको प्रोटॉन का मास याद नहीं है तो लाजवाब बात कर दी आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ आपसे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जो भी आना है, मैं सीधे लेते रहूंगा 11 मीटर पर सेकंड स्पीड। ये आपका हो गया मास भी और एक्सेलरेशन भी और फोर्स भी, फोर्स की डायरेक्शन भी। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है, बस हो गया। डॉट प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन ही नहीं है, वहां क्या सीखो, मैग्नीट्यूड हो सकता है बस। क्रॉस सीखना था, एक छोटा सा सवाल कराया मैंने, तो आप लोगों को अपनी तैयारी पता लग गई होगी कितनी अच्छी चल रही है। चलिए ठीक है, हम लोग 5:10 पे दोबारा जुड़ेंगे। थैंक यू।